गांधी के आधे श्लोकों को भी पढ़ना बंद करो। अगर आप इस पंक्ति को समझ जाएंगे तो आप मेरी कविता की भावना समझ जाएंगे। शुरू करता हूं कि कब तक देखें घर पर लौटी अर्थी वीर जवानों की, कब तक देखें घर पर लौटी अर्थी वीर जवानों की, अब हमको लाशें दिखलाओ आतंकी हैवानों की, अब हमको लाशें दिखलाओ आतंकी हैवानों की, हम रातों को भूखा सो सो कर भी जिंदा रह लेंगे, लेकिन यह मत सोचो कि हम केवल निंदा सह लेंगे, लेकिन यह मत सोचो कि हम केवल निंदा सह लेंगे। दो स्वतंत्रता सेना को वो एक अचूक प्रहार करे, चढ़े दुश्मनों की छाती पर और LOC पार करे, चढ़े दुश्मनों की छाती पर और LOC पार करे, और जहां दिखे आतंक देह पल भर में उसको लाश करे। ये वाली पंक्ति अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस उतार करके कुर्सी के नीचे रख दीजिएगा, तब सुनिएगा। कि जहां दिखे आतंक देह पल भर में उसको लाश करे, इस्लामिक आतंकवाद का जड़ से महाविनाश करे, इस्लामिक आतंकवाद का जड़ से महाविनाश करे, इस्लामाबादी टट्टू को एक जख्म अब गहरा दो, कर लो सरहद पार तिरंगा अब लाहौर में फहरा दो, कर लो सरहद पार तिरंगा अब लाहौर में फहरा दो। अब पीड़ा सुनिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ नहीं रहा। सुनिएगा कि जब पापा की डांट से डरने वाले की अर्थी आए, जब पापा की डांट से डरने वाले की अर्थी आए, मातृत्व की प्यासी गोदी तड़प तड़प कर रह जाए, जब यारों को साले कहने वाला चुप चुप सो जाए, जब यारों को साले कहने वाला चुप चुप सो जाए, बड़े भाई की सीख अचानक से गायब सी हो जाए, जब चूड़ी बिंदी सिंदूर आग का काजर खो जाए, जब चूड़ी बिंदी सिंदूर आंख का काजर खो जाए, कितने सावन तनहा सोई चादर भी जब रो जाए, कितने सावन तनहा सोई चादर भी जब रो जाए, बहनों की राखी के बदले सिर्फ लिफाफा दीख मिले, झंडों से लिपटे ताबूत हर आंगन बस चीख मिले, झंडों से लिपटे ताबूत हर आंगन बस चीख मिले, इन चीखों का इन क्रंदन का कर्जा तभी उतारोगे जिस दिन अपने एक के बदले दुश्मन के 100 मारोगे, जिस दिन अपने एक के बदले दुश्मन के 100 मारोगे। अब सुनिएगा, मेरी समस्या खास पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि जब उसके खिलाफ होना होता है या उसके जो पाकिस्तान एज एन जनता नहीं, पाकिस्तान एज एन स्टेट जो टेरर स्पॉन्सर कर रहा है, तो जब उसके खिलाफ होना होता है तो हमारे राजनेता कम से कम दिखावे के लिए सही एक हो जाते हैं, जब बात घर की आती है तब दिक्कत हो जाती है। कि एक फैसला सत्ताधीशों, मैं यहाँ पे सत्ताधीशों की तरह मोदी जी लिखने वाला था उसकी जगह, फिर मुझे याद आया कि मोदी राहुल तो आते जाते रहेंगे, देश चलता रहेगा, तो मैंने बदल दिया कि एक फैसला सत्ताधीशो तुम्हें बड़ा लेना होगा, एक फैसला सत्ताधीशो तुम्हें बड़ा लेना होगा, मामूली सा कोई मामूली सख्त नहीं यार बहुत कड़ा लेना होगा, मामूली सा सख्त नहीं यार बहुत कड़ा लेना होगा, सूची एक बनवाओ पहले भीतर के जयचंदों की, पड़ जाएगी तुम्हें जरूरत ढेरों फांसी फंदों की, पड़ जाएगी तुम्हें जरूरत ढेरों फांसी फंदों की, अरे भारत मुर्दाबाद जो बोले उसे यहां से भगवा दो। दो ही रास्ते हैं कि भारत मुर्दाबाद जो बोले उसे यहां से भगवा दो, लाल किले पर सबसे पहले या तो उसको टंगवा दो, लाल किले पर सबसे पहले या तो उसको टंगवा दो, अरे देश जरा रोगी बन बैठा अब इसका उपचार करो, याद करो पृथ्वीराजों को जयचंदों पर वार करो, याद करो पृथ्वीराजों को जयचंदों पर वार करो, छोटे मोटे केस बनाकर इतना भी मत उछलो तुम, आस्तीन में सांप पले हैं इनके फन को कुचलो तुम, कीमोथेरेपी राष्ट्रद्रोह के बीमारों की कर डालो, एक सर्जिकल देश के अंदर गद्दारों पर कर डालो, एक सर्जिकल देश के अंदर गद्दारों पर कर डालो। अगला बन सुनिएगा कि आतंकी को छोड़ो पहले उनकी सांसें रोको तुम, आतंकी को छोड़ो पहले उनकी सांसें रोको तुम, जो दुश्मन की भाषा बोले उसको पहले ठोको तुम, जो दुश्मन की भाषा बोले उसको पहले ठोको तुम, जो आतंकी को हेडमास्टर का बेटा बतलाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा किसने बताया, आप जान जाएंगे। कि जो आतंकी को हेडमास्टर का बेटा बतलाते हैं, दुनिया के इतिहासों में गद्दार वहीं कहलाते हैं, वो गद्दारी करते जाएं तुम तो अपना धर्म करो, जिनके हाथों में बंदूकें उनका क्रिया कर्म करो, जिनके हाथों में बंदूकें उनका क्रिया कर्म करो, अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों को, इससे कड़वा शायद मैंने कुछ नहीं लिखा, सुनिएगा। कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों को, बीच चौराहे लटका करके गोली मारो सालों को, बीच चौराहे लटका करके गोली मारो सालों को। अगला बंद, अंतिम बंद, फिर अपनी जगह लेता हूं। कि बदलाव क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में, बदलाव हुआ, पॉलिटिकल पार्टी को मैं श्रेय नहीं दूंगा क्योंकि वहीं कंधार के समय भी थी, संसद पे हमला हुआ, दूसरी प्रमुख पार्टी मुंबई हमले के समय थी, बदलाव जो हुआ आप देखिए,
कि भीष्म बने बैठे थे सारे राजनीति की मंडी में। अगर आप भीष्म पितामह की कहानी जानते हो कि शिखंडी के कारण उनका कैसे वध हुआ, कि भीष्म बने बैठे थे सारे राजनीति की मंडी में, ढूंढे थे अपनी किन्नरता गठबंधनी शिखंडी में, ढूंढे थे अपनी अपनी किन्नरता गठबंधनी शिखंडी में, काल चक्र बदला भारत धाराएं मोड़ना सीख गया, एक चांटे के बदले में बाजुएं तोड़ना सीख गया, एक चांटे के बदले में बाजुएं तोड़ना सीख गया दानव का वध करके ही मारा जा सीख गया दानव का वध करके ही तारा जाता है, पागल कुत्ता बाजना आए तो फिर मारा जाता है, पागल कुत्ता बाजना आए तो फिर मारा जाता है। अरे शत्रु के गढ़ में घुसकर सेना ने सबक सिखलाया है, शत्रु के गढ़ में घुसकर सेना ने सबक सिखलाया है, दर्जन भर मिराज ने दिन में तारा सा दिखलाया है, दर्जन भर मिराज ने दिन में तारा सा दिखलाया है, अब हर पाकिस्तानी गुंडा सेना से पिट जाएगा। दो हल हैं सिर्फ इस समस्या के, या तो दुश्मन की अशांति को खत्म करिए या दुश्मन को, तो अब हर पाकिस्तानी गुंडा सेना से पिट जाएगा, या फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, या फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए।